सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। साइबर मैथ्रीन 25 ML का हिसाब रखने के लिए ये छुट्टी है जी। लगभग 10 से 12 ML के करीब ली है। ये 100 लीटर की बोतल ले ली है जी। ये फुहारा जी अपने पास छोटा ही फार्म है, या लगा लो थोड़े पशु हैं उस हिसाब से जगह है उसमें करने के लिए चीचड़ों की मृत्यु। देखिए ये बोतल में साइपरमेथ्रिन लगभग 10 से 12 ग्राम के करीब मैंने डाल दिया। पानी को इसको पूरा भर लिया इसका पानी को। और अब कैसे छिड़काव कैसे करना है फार्म पर, जैसे कि आप देखिए मैंने दिन में पशु यहाँ बांध रखे थे, अब जैसे कि जैसे सांझ हुई उस टाइम इनको यहाँ निकाल दिया है, तो इस जगह में अब अपने को स्प्रे करनी है। कैसे छिड़काव का, मैंने ये कोना ले लिया है जी पहले, तो जैसे कि अब मैं यहाँ से शुरुआत कर चुका हूँ इस चीज़ की। जो कोने हैं वहाँ थोड़ी मात्रा ज़्यादा रखें आप, बाकी आप इसको समांतर मात्रा में करते रहें। मैं ऐसे चलता रहूँगा और स्प्रे होती रहेगी जी। जिसका बड़ा फार्म हो वो बड़ी स्प्रे की जो ढोलकी आती है वो भी ले सकता है जी, उससे जैसे कि जल्दी कवर हो जाएगी जी। और जैसे कि नान, खुरली, ठाण जो इनके चारे का स्थान होता है उस पर अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि इनमें सुराख रह जाते हैं। दीवार में भी अच्छी तरह से करेंगे जी। और इस प्रकार से अपने जो पूरी जगह है जहाँ पे पशु बांधते हैं उस पूरी जगह को कवर कर देना है जी। पूरी जगह को कवर करने से मच्छर मक्खियों से भी निजात मिलती है साइबरमेथ्रिन से, और जो चिंचड़ या टिक्स या रीं वगैरह जो लगती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम भी है इनके, तो उससे भी पशुओं को छुटकारा मिलेगा जी। क्योंकि जैसे कि ये पशुओं से उतरेंगे तो इन्हीं जगह में लगभग अंडे वगैरह देते हैं जी। जैसे कि ये ठाण का ये हिस्सा हो गया, या आप जो इनकी बार बारी खुली देखेंगे ये इनमें जो दरारें जगह रह जाती है इनमें अंडे वगैरह देते हैं। तो मैं इनमें आप 3-4 महीने लगातार हफ्ते दर हफ्ते या 10 दिन बाद जरूर करें, ताकि इन चीज़ों के जो जन्म चक्कर है वो ख़त्म हो जाए, इनका अंडे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आप देखेंगे पशुओं के बहुत कम हैं, जैसे कि मैं आपको ये कटड़ा इसके दिखाएं, आप देखेंगे अभी सीजन है बिल्कुल, तो भी बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा आपको, क्योंकि ये करता रहता हूँ मैं साइपरमेथ्रिन जो है। देखिए ये 1 लाख रहे जी, इसका तो इसको काम भी निपट तोड़ गया। देते हैं जी, करेंगे मेरे बेटा तो इस प्रकार से देखिए काफी साफ सुथरा है। बाकी एक चिचड़ मिला है अपने को, तो बिल्कुल खाद भी बिल्कुल पास में है जी। ये भी चिचड़ों का घर है, थोड़ी ये ठान थोड़ी पुरानी है, इसमें निराड़े ज्यादा हैं। इस प्रकार से इनको कंट्रोल किया जा सकता है जी। बाकी मक्खियाँ वगैरह देखिए, जैसे कि अब तो सीजन है, फिर भी देखिए कोई भी इन पे मक्खियाँ वगैरह नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि इसके लिए वो जो परमेथ्रीन आती है 5% सोप वो यूज़ कर लेते हैं। लगभग 10-12 दिन में, 15 दिन में भी एक बार लगा देते हैं, तो पशुओं को उससे निजात मिलती है जी, मक्खियाँ वगैरह कम परेशान करती है। इस पर भी ध्यान दीजिए, ये जो कटड़ा है लगभग 7 महीने करीब है अपना कटला, ये इसकी मदर है जी। देखिए कोई से भी पशु पर आपको मक्खियाँ वगैरह ज़्यादा नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस पे परमेथ्रिन और साइपरमेथ्रिन मैं नीचे छिड़काव करता रहता हूँ। साइपरमेथ्रिन का ध्यान दें, ध्यान रखें कि ये अपने को पशुओं पे नहीं करनी है, फार्म पे ही करनी है जी। ठीक है जी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे आप किस विषय पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करें, और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आगे शेयर भी ज़रूर करें। सभी भाइयों का धन्यवाद।